संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने स्पीच में न सिर्फ कश्मीर का राग अलापा बल्कि भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में किया, मगर उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। इसके बाद भारतीय राजनयिक ने अपने दमदार तर्कों से उसी मंच पर पाकिस्तान के एक एक झूठ की धज्जियां उड़ा दी। क्या कहा इमरान खान ने? पाकिस्तान का कोई नेता संयुक्त राष्ट्र में बोले और भारत के खिलाफ जहर ना उगले, ये कैसे हो सकता है? इमरान खान का भाषण भी ऐसा ही रहा। उन्होंने इस्लामोफोबिया, मॉब लिंचिंग, दिल्ली दंगे जैसे मुद्दे उठाकर ये झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और ये भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन की बात की और भारत के खिलाफ जहर उगला। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने जैसे भारत के विशुद्ध आंतरिक मसले पर उनकी बौखलाहट अब भी शांत नहीं हुई है। इमरान खान ने पाकिस्तान को खुद आतंकवाद से पीड़ित दिखाने की कोशिश की। आतंकवाद का पालनहार पाकिस्तान उल्टे भारत पर आतंकवाद का आरोप लगाए तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी, लेकिन इमरान ने यही किया। सुनिए क्या कहा। This unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also essential to prevent another conflict between Pakistan and India. India's military build-up, development of advanced nuclear weapons. भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को न सिर्फ आतंकवाद और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर आईना दिखाया बल्कि उसे तत्काल कश्मीर में अवैध कब्जे को खाली कराने को भी कहा। सुनिए क्या कहा। In matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. अफगानिस्तान में तालिबान के लिए उड़ेला प्रेम। गिलानी की मौत पर भी पाक ने की राजनीति। इमरान खान ने भारत पर आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में सैनिकों ने आतंक का राज कायम किया है। भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इमरान ने कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी का जिक्र किया और भारत पर आरोप लगाया कि उनका अंतिम संस्कार भी इस्लामिक रीति रिवाज से नहीं होने दिया गया। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors, but sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दुनिया को बताया कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह मिली है। आज भी पाकिस्तान नेतृत्व आतंकी लादेन को शहीद के रूप में महिमा मंडित करता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने घर में आतंकवादियों को इस उम्मीद में पालता है कि वो केवल उनके पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएंगे। Seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. कश्मीर पर कब्जे का आरोप लगाया, भारतीय मुसलमानों को बरगलाया। इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया आज दुनिया के सामने बड़ा खतरा है। भारत के खिलाफ भरे जहर को उगलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को फासीवादी करार दिया। उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आरएसएस बीजेपी के खिलाफ जहर उगला और आरोप लगाया। Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir and continues to vitiate the environment by these barbaric acts. The onus remains on India to create a conducive environment
for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हमसे कोई तुलना ही नहीं। भारत की युवा राजनयिक ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार के चीथड़े उड़ा दिए। स्नेहा दुबे ने कहा कि यही वो देश है जिसने बांग्लादेश में धार्मिक और सांस्कृतिक नरसंहार किया। आज पाकिस्तान के अल्पसंख्यक सिख, हिंदू और क्रिश्चियन लगातार डर के माहौल में जी रहे हैं। Are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. कश्मीर मसले पर इमरान ने क्या बोला? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत ने कश्मीर में कई तरह के गैर कानूनी और एक तरफा फैसले किए हैं, जिस पर भारतीय राजनयिक स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें वो इलाके भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। हम पाकिस्तान से उनके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को तत्काल खाली करने की मांग करते हैं। कंगाली और आतंकियों के कब्जे की आशंका से जूझ रहे पाकिस्तान के हुक्मरान अभी भी शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। साथ ही भारत खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहे। बहरहाल आज भारत ने पाकिस्तान के वजीर आजम की जमकर फटकार लगाई। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।